राम राम जी, जय हिंद साथियों, मैं दीपक चंदीला और भैया अद्भुत चमत्कार, अद्भुत अद्भुत कतई, बिल्कुल मतलब ऐसा अनोखा। ए चल जा, एक करोड़ का कार्ड, बता, एक बच्चा था उसको एसएमए नाम की बीमारी थी, तो मेरे पास कॉल आता है कि भाई जोगिंदर एक लड़का है उसकी ना तबीयत खराब है, 18 करोड़ का इंजेक्शन है, वो अरेंज कराना है। मैंने कहा कैंसर मतलब मेरे को कितनी वीडियो बनानी पड़ जाए, मेरे को किसी को बोलना पड़ जाए। मुझे भी बोलना था, मुझे याद है आपका नाम लिया था सर मैंने, जैसे तुमने बात करना शुरू किया मुझे ध्यान है, एक वीडियो मुझे भी टैग होके आया था। और हाँ जी सर, आप ही थे ये था कि 18 करोड़ का इंजेक्शन का था। मैंने कहा भाई मैं कराता हूँ, तो सर मैंने फेसबुक पर वीडियो डाली, 2 दिन में 30 मिलियन व्यूज ऐसे आ गए थे, तो सर 2.5 करोड़ रुपये अरेंज हो गए थे 1 महीने के अंदर। उसके बाद क्या सीन हुआ कि कहीं से हमें पता चला कि उनकी फैमिली के पास है ना किसी एनजीओ ने सपोर्ट कर दिया है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, कल को पब्लिक हमें बोलेगी पैसा कहाँ गया जोगिंदर, लोग ब्लेम करते हैं कि जोगिंदर ने पैसा खा लिया। और सर हमारी सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी कि हमने उन्हीं की फैमिली का अकाउंट नंबर दिया था। तो तुमने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? सर पुलिस कंप्लेंट सर लोग कर रहे थे ना, लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे सर। मैंने यही बताया था कि भाई देखो हमने नहीं खाया पैसा कुछ भी, बट सर वो 2.5 करोड़ का मेरे ऊपर लगा था कि तूने खाया है, क्योंकि सर मैंने अपना घर बनाया था। आप अगर मीडिएटर हो तो आपकी जिम्मेदारी होती है ना फिर कि वो सही जगह जाए। तभी तो वीडियो बनाई थी ना, मैंने कहा मैं बदनाम हो जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, बट तो वापस करा दिए थे। हाँ मैम वो वापस करा दिए, कुछ एक एनजीओ है उसने पैसा करा दिया, और जो सी एनजीओ उनको पैसा लगा रही थी ना उस एनजीओ को पैसा दे दिया बचा हुआ। क्या रहता रही है जो छोड़ में, तो भैया एक बात बता दूं मैं, तारा भाई जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर इतना झूठ बोल देगा, इतना झूठ बोल देगा किसी ना सोची ना आगे, हद कर दे मां कसम तेने बिल्कुल कतई। अगर पलड़ा मार दिया ना माथे में तो परमते जैसी शक्ल हो जाएगी एक मिनट में। अभी 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा ना हुए, कम से कम 4 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है तुम्हारा, समझ में आ गई, जो जनता गुमराह करने वाला काम कर रहे हो तुम। अरे एक बात बता दूं मैं, तू जो इतना इनोसेंट बन के दिखा रहा है ना, इतना इनोसेंट बनने की जरूरत ना हो तुझे, तुम्हारी मिलीजुली साजिश ही हो। जब तेरे अंदर इतनी हमदर्दी है, अच्छा ठीक है पैसा मांगने को तू वीडियो बनाएगा आ गए, पर वहां में कुछ घपलाबाजी होगी, कुछ गलत हो रहेगा, तब तू कंप्लेंट करने वाला कोई ना होता है ना, बाकी पब्लिक बाकी जनता करेगी कंप्लेंट। भाई वाह बहुत बढ़िया करा, तो तेरे अगर अंदर इतनी हमदर्दी ना तो एक बार लौंडे की वीडियो बना के दी तेने, बताई तेने एक बार भी कि भाई लौंडा का चलो एनजीओ से इलाज होगा कोई ठीक है, ये इतने करोड़ रुपए हम पे इकट्ठे हुए हम इतने इन्हें वहां दे रहे हैं उतने इन्हें वहां दे रहे हैं, ना दियो किसी ने भी, समझ में आ गई। पर पब्लिक के भी कोई फर्क ना पड़ता, पब्लिक की साड़ी ढीठ है ना हमारी तो उन्हें फर्क ही ना पड़ता, 200-300 रुपया पेटीएम करके कोई याद करने वाला और तुमसे हिसाब मांगने वाला कोई बैठा थोड़ी, इतना पागल थोड़ी है, बहुत दरिया दिल है। पर वही पब्लिक अभी 2000 की नोटबंदी होगी पिछवाड़े में से ऐसे धुएं निकल के होए पहाड़ टूट गए, इतना करोड़ रुपया छुपा रखा है या वाइट कैसे करेंगे, तब देश के अंदर गरीबी आ जाती है, तब देश के अंदर जीडीपी डाउन हो जाती है एकदम से। पर डोनेशन 15 दिन के अंदर 4 करोड़ रुपए इकट्ठा करवा दिए, तब पब्लिक का कोई फर्क ना पड़ता, तब कोई गरीब ना हो देश में। पर मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, अगर तू पैसा के पीछे इतना पागल है ना कि मैंने सिर्फ पैसा ही कमाया उसके बाद मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है ये वो फलाना ढिकना, तो सुन मेरी बात, पैसा रंडी भी कमा रही है, पैसा मिल जाएगा शोहरत मिल जाएगी तुझे, पर इज्जत कभी ना मिल पाएगी, वहाँ भी कभी इज्जत ना मिल पाती। तो यह बात है अगर दिमाग में बढ़ रही हो ना तो ध्यान रखियो, एक बात है बाप दादा उनकी छत्तर छाए में कभी बैठा ना हो ना कभी समाज में तो पता ना है कि इज्जत कहाँ चीज हो वह, समझ में आ गई। अरे यू बात तो तुम्हारा दिल भी जानता है, तुम्हारा जमीर जानता है अच्छी तरीके से कि वाह लौंडा के मंगतीन के नाम पे वाके नाम पे पैसा खाए जो तुमने, वादा तेल भी गिरा करो, गाड़ी के टायर भी चेंज हुए और जन पता ना कहाँ कहाँ खाने पीने में पैसा खर्च हुए, समझ में आ गई। तो वही वाली बात है, मजदूर है खोदना और बाप है सिखाना ना चाहिए, अगर इतनी दरिया दिली है तेरे अंदर तो जनता से तुझे माफी मांगनी चाहिए थी एक बार, समझ में आ गई तुझे। अगर ये वीडियो समझ में आ रही है और इस वीडियो से तुझे कुछ सीख मिले ना, ये वीडियो जरूर मार देना इसके माथे में जाकर, यार तारा भाई जोगिंदर इतनी बेइज्जती करवा लेगा, इतनी बेइज्जती करवा लेगा सोची ना आगे, वीडियो पहुंचा देना इसके माथे मार देना। राम राम जी, जय हिंद जय भारत, या की वाण की टोंट या की।